ठीक है जी। क्वेश्चन 2040 में आपको नेटवर्क सेटअप कैसा करना है, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना है, इसमें आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आप अगर एक वीडियो में लाइक करेंगे तो। अगर आप किसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। और आज हमारे प्रिय सब्सक्राइबर का उन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरे को 2040 में नेटवर्क सेटअप कैसा करना है, उसके लिए मैंने खास वीडियो बनाया है। चलो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा नेटवर्क केबल, जो आपका राउटर से लेके मशीन की जगह के बीच में है उतना बड़ा आपको नेटवर्क केबल लेना होगा पड़ेगा। उसके बाद आपको जो नेटवर्क केबल है एक साइड से दोनों तरफ इसका सेम रहता है, आपको एक लगाना है मशीन के और दूसरा लगाना है राउटर में। चलो मैं आपको मशीन को लगा के दिखाता हूँ। जो ये मशीन है इसमें जो नीचे वाला प्लग दिख रहा है पॉइंट, उसके अंदर आपको ऐसा लगाना है, ये आपने लगा दिया यहाँ पे। और अभी दूसरा वाला जो है घूम के उधर तक अपने राउटर तक आना है। अब जाओ ना, आ जाओ अपन क्रॉप कर लेंगे। जो अपने एक तो लगा दिया अपना मशीन के अंदर और दूसरा वाला जो पॉइंट है आपको जो अपना राउटर लगाया रहेगा जो वाईफाई उसके अंदर लगाना है। सबसे मेन चीज़ कि अपना दो नंबर पॉइंट है जो वाईफाई का वो खाली है, उसके अंदर अपन जो ऐसा नेटवर्क लगाएंगे तो वो वहाँ पे लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट करेंगे। ये अपने लगा दिया नेटवर्क केबल राउटर में तो तुरंत लाइट ब्लिंक होना चालू, इसका मतलब अपना नेटवर्क चालू हो गया है। चलो और आपको मशीन की ओर जाके बताता हूँ आपको क्या सेटिंग करना है मशीन में। मशीन किया स्टार्ट और मेन चीज आपको जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाना है, उसके बाद जब में जाना है आपको नेटवर्क सेटअप, जो तीन नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सिस्टम नेटवर्क, उसमें जाके आपको यहाँ पे लॉगिन नेम और यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। उसके अंदर आपको लिखना है एडमिन, उसके बाद आप ओके करेंगे और वापस पासवर्ड भी सेम ही है। उसके बाद आप ओके करेंगे, लॉगिंग करेंगे तो अपना नेटवर्क का लॉगिंग हो गया है। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा 8 नंबर में रीसेट नेटवर्क, आप इसके ओके करेंगे और यस करेंगे। जो भी अपना आईपी खाली रहेगा वो आईपी ऑटोमेटिक डिटेन कर लेगा मशीन। कर देना वीडियो को, उसके बाद आपको एग्जिट करना है और आपको पेन चीज आपको निकालना है रिपोर्ट, वापस काउंटर रीडिंग वाले में जाना है और यहाँ पे आपको रिपोर्ट वापस जाना है प्रिंट रिपोर्ट, उसमें स्टेटस पेज, तो स्टेटस पेज दिया उसके आप ओके करेंगे और यस करेंगे, आपको एक प्रिंट आएगी। जो ये मेरा मशीन है, जो मशीन ने आईपी ले लिया ऑटोमेटिक डिटेन किया है, आप देख रहे 190.168.2.148 जो मशीन ने ऑटोमेटिक आईपी डिटेन किए है। इसके बाद आपको कंप्यूटर की ओर जाना है, आपको फिर गूगल पे जाके सर्च करना है अपना जो यहाँ पे अपना आईपी रहेगा, जो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपना आईपी है 192.168.2.148 ये वाला आपको गूगल पे जाके सर्च मारना है। जो आईपी है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप आई उसके बाद आपको यहाँ दिखाएगा तो आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर लग गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्रिंटर एंड ड्राइवर्स और यहाँ पे आपको आराम से एड टू प्रिंटर करना है, यहाँ पे करना है एड टू नेटवर्क। बाद आपको करना है एड ए प्रिंटर, उसके बाद आपको कंप्यूटर में ऐसा डेस्कटॉप के ऊपर दिखेगा।
जो ऑटोमेटिक डिवाइस कनेक्ट हो रहा है इसके लिए। एक बार मैं आईपी कंफर्म कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आईपी पर चेक कर लेता हूँ। हाँ, आईपी तो रन हो रही है अभी फिलहाल। देखो वहाँ पे अपना जो मशीन रहेगा नेटवर्क में दिया उसका वो नेटवर्क कहा गया, और यहाँ से आपको कनेक्ट करना है। और आपको क्लोज करना है, आपका इंस्टॉल हो रहा है। सक्सेसफुली जो ये अपना 2040 इंस्टॉल हो गया है नेटवर्क में। और आप नीचे देख रहे तो नीचे दिखा रहेगा नेटवर्क से कनेक्टेड है, सक्सेसफुली लिखा आ गया कि यू ड्राइवर्स इज रेडी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो अपलोड बाय टेक्निकल किशन यूट्यूब चैनल। अगर किसी भी प्रकार का आपको कंप्यूटर प्रिंटर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, हम उसी ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। चलो आपको एक टेस्ट प्रिंट देके अभी आपको बताता हूँ। आपने टेस्ट प्रिंट दे दिया है, मैं भी आपको मशीन की ओर लेके आपको बताता हूँ कि टेस्ट प्रिंट आया है या नहीं आया है। फिर अपने जो इंस्टॉल किया उसके बाद अपन टेस्ट प्रिंट निकालते हैं, और ये टेस्ट प्रिंट अपन निकाला। अगर फिर हमारे बहुत सारे वीडियो देखा था जिसमें आप मोबाइल से प्रिंट कैसा देता, उसमें बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका जो कमेंट आ रहा था कि सर हम हमारे उसमें डिस्कवरी और SMB सेटिंग कैसा करना है, उसके लिए आप वीडियो बनाए, तो उसका भी इसमें वीडियो दिया है। आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, पूरा वीडियो दिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर हाँ आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं उसी बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप SMB सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, देखो मेरे में ऑटोमेटिक डिटेन करना, सबसे पहले आपका मोबाइल में वाईफाई एक ही राउटर से कनेक्ट होना चाहिए। आप जो जेरोक्स मशीन या कोई सारा प्रिंटर है उसका और अपना जो मशीन और मोबाइल का दोनों का नेटवर्क एक ही नेटवर्क होना चाहिए। अपने कोई सारा मोबाइल ऐप ओपन करते हैं, यहाँ पे अपने को जो कॉर्नर में प्रिंटर का दिख रहा है वहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे डिस्कवरी ऑटोमेटिक सर्चिंग होता है। जो अपना प्रिंटर है वो वाईफाई में शेयरिंग होता है डाटा, आप देख रहे हैं कि जो सर्चिंग हो रहे हैं। सर्चिंग होने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका तुरंत डेटा कनेक्ट होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और भी आपका सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।